अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ बीएस क्लासेस तो जैसा कि आपको पता है इस दफ़ा सारे स्टूडेंट्स के सारे बीएस क्लासेस के एम फिल एम एस सी क्लासेस के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शनस जारी किए हैं तो उसमें पहले उन्होंने अपने पोर्टल पे शेयर किया देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर एनी स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट फिज़िकल एग्जामिनेशन एग्ज़ाम नहीं दे सकता जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे इसके बाद आता है देयर विल बी सेपरेट पेपर फॉर ईच स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए पेपर क्या होगा सेपरेट होगा हर के एम्स क्यूज़ डिफरेंट होंगे कुछ के शफल होंगे लेकिन ज़्यादातर क्या होंगे डिफरेंट ही होंगे ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ सिक्सटी एम सी क्यूज एंड टाइम विल बी सिक्सटी मिनट्स पेपर साठ एम सी क्यूज पर मुश्तम होगा कोई शॉर्ट क्वेश्चन कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा और हर एम सी क्यू के लिए एक ही मिनट होगा इसके बाद आता है केस ऑफ डिसकनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट और फेलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ई टी सी पेपर कैन ओनली बी रीज रिज्यूम्ड वेद द एलोकेटेड टाइम फॉर दिस पेपर परपस अगर तो आपका जो है पेपर इंटरनेट की वजह से या किसी फेल इलेक्ट्रिसिटी की फेलियर की वजह से अगर लाइट चली जाती है तो आपका पेपर या लैपटॉप ऑफ हो गया पेपर आपका नहीं शो हो रहा तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा अगेन वहीं से स्टार्ट होगा और उतने ही टाइम से स्टार्ट होगा इसके बाद आता है कि ओनली क्वेश्चन लेफ्ट अनअटेम्प्टेड कैन बी रिविजेड जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, वहीं से पेपर स्टार्ट होगा वंस अटेम्प्टेड क्वेश्चन कैन नाट बी करेक्टेड अगेन जो आपने क्वेश्चन एक दफा अटैम्प्ट कर लिए वो अगेन आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते देर विल बी नो अटैम्प्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सिर्फ एक ही अटैम्प्ट होगी आप दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकते द स्टूडेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड इशूज़ कुछ स्टूडेंट्स के इंटरनेट इशूज़ होते हैं कुछ बैकवर्ड इलाके से होते हैं उनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक तरह से नहीं आता उनके वाईफाई नहीं होता तो उनका ज़िम्मेदार खुद स्टूडेंट ही होगा नो सेकेंड अटैम्प्ट विल बी अलाउड अंडर एनी प्री टेक्सट मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मोबाइल फोन्स कैन नाट बी यूज फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली लैपटॉप डेस्कटॉप टॉप अलॉन्ग विद वेब कैम कैन बी यूज इन दिस रिकॉर्ड रिकॉर्ड अच्छा मोबाइल फ़ोन्स को आप तो ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते आपको अपना लैपटॉप डेस्कटॉप ख़ुद ही अरेंज करना पड़ेगा और ऐसा लैपटॉप और डेस्क अरेंज करना पड़ेगा जिसमें वेब कैमरे का होना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज आपका जो कैमरा है वो उस पोर्टल को सॉरी आपका लैपटॉप उस पोर्टल को नहीं करे शो करेगा इसके बाद आता है मॉक टेस्ट विल भी टू डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपके पेपर सब स्टूडेंट्स के फिफ्टीन से स्टार्ट हो स्टार्ट हो रहे हैं तो फिफ्टीन से पहले आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा आप सारा आ, तरीका उससे समझ सकते हैं तो ये थी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऑनलाइन एग्जाम क्या इस तरह से आपका पेपर होगा और इसमें ये ये जो आपकी खामियाँ वो आप दूर कर सकते हैं इसके बाद एक फार्म आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज देगा वो आपने फिल करना है वो पेपर्स से पहले डेट शीट से पहले आपने फिल करके वो अपने कॉलेज में सबमिट करवाना है और वो गूगल से ही सबमिट करवाना है उस वो आपको कहाँ से मिलेगा उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वहाँ से आप लिंक से वो ओपन करके आप अपना जो है रोल नंबर यूनिवर्सिटी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन रोल नंबर वो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सबमिट करवा सकते हैं इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आ, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म शो हो जाएगा इसमें आपने आप, आप सेमेस्टर आपका फ़ाल करा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में इसके बाद आप यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर ऐड करेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी जारी करती है उसके बाद आप अपना यहाँ पे अपना कॉलेज रोल नंबर लिखेंगे या आपको जो रोल नंबर क्लास में दिया गया होता है वो आप रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप स्टूडेंट अपना नेम लिखेगा और वही नेम लिखेगा जो मैट्रिक की करेक्टर सर्टिफिकेट एफ एस सी के करेक्टर सर्टिफिकेट पे या आपके आईडी कार्ड पे लिखा गया है इसके बाद यहाँ पे आप आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिखेंगे ईमेल आईडी वही, वही वाली जो आपने गूगल अकाउंट जिससे बनाया होता है वो आप अपने गूगल अकाउंट से जाकर ले सकते हैं इसके बाद आ आ जाता है आपका बी एस किस डिसिप्लिन में आप बी एस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ये डिसिप्लिन आ गए अप्लाइड साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स उर्दू जो भी है आप केमिस्ट्री पे क्लिक कर दें इसके बाद आप अपना सेशन चूज़ करेंगे कि कौन से सेशन है आपका जो चार साल का कोर्स है टू थाउजेंड सेवेंटीन से ट्वेंटी वन है या आपका टू थाउजेंड एटीन से ट्वेंटी टू है जो भी है आप यहाँ से ये यह आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद ये चूज़ करने के बाद शिफ्टिंग हो होगी कि आप मॉर्निंग में क्लासेस ले रहे हैं या इवनिंग में तो आप मॉर्निंग या इवनिंग पे क्लिक करेंगे इसके बाद आप अपना सबमिट कर सकते हैं मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरे सामने ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और कुछ भी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया ये फॉर्म आपको ज़रूर फिल करना है अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का नहीं पता तो आप अपने एच अपने डिपार्टमेंट से अपने कंट्रोल एग्जामिनेशन से आप ले सकते हैं और आ, इसके बाद आप अपना ये फॉर्म सबमिट ज़रूर कीजिएगा और इसका मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वहाँ से आप लिंक को ओपन करके ये अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों से शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अल्लाह हाफिज़